तो जी दोस्तों, हम आज बनाने जा रहे हैं एक डायलॉग फ्लो का चैट बॉट उर्दू में। अच्छा जी, और हम इसको स्क्रीन को शेयर करते हैं, और स्क्रीन को शेयर करने के बाद हम ओपन कर लेते हैं सफारी। ठीक है जी, और हम इसमें dialogflow.cloud.google.com पे हम चले जाते हैं। अच्छा जी, मुझे फाइनली टाइम मिल गया कि जो है ना, मैं एक एजेंट क्रिएट करूं। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ, वेयर इज उर्दू? हिंदी तो काफी अरसे से है इसमें, हिंदी का प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले असल में उर्दू की जगह पे हिंदी ही लगा कर दे रहे थे हम क्लाइंट्स को। ओके, आप देख रहे होंगे कि काफी सारे उन्होंने ना नई लैंग्वेजेस को इसमें ऐड कर दिया। ये आ गया भाई हमारा उर्दू लैंग्वेज। और मैंने कहा एजेंट हमें बनाना है, एटीएम का बनाते हैं। सही है, एटीएम का बना रहे हैं। ये कुछ वक्त लेता है जरा क्रिएट होने में। ओके जनाब, अब हमारे पास एक अदद आ गया है, डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट। अच्छा, यहाँ पे जो विंडो है, इस जगह पे मैं इसको ट्राई भी कर सकता हूँ, राइट? मतलब मैं इसको, जो भी मेरा चैटबॉट बनेगा उसको मैं टेस्ट कर सकता हूँ। तो हम जरा देखते हैं कि डिफॉल्ट वेलकम इंटेंट जो उर्दू में बनाकर देता है अपने टाइप से, वो कैसा बनाकर देता है। अच्छा, कुछ भी इसमें नहीं लिखा हुआ इन्होंने। अच्छा, तो अब हम इसमें लिख देते हैं कि कैसे हैं, या सलाम, ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, इस तरह की कोई बात लिख देते हैं। अच्छा, मेरे पास उर्दू वाला क्योंकि कीबोर्ड मौजूद नहीं है, तो मैं उसका एक जुगाड़ निकालता हूँ। मैं लिखता हूँ गूगल पे जाके उर्दू कीबोर्ड। एक और था उर्दू का कीबोर्ड, कोई पता नहीं, गूगल ट्रांसलेट में देखा था मैंने। उसमें टाइप करते हैं हिंदी में, तो वो उसको ऑटोमेटिक जो है वो उर्दू बना देता है। ओके जी, उर्दू और इसको हमने क्या करना है, इंग्लिश में करना है। तो हम जरा देखते हैं कि हाय की उर्दू क्या होती है। ओ हेलो, क्या बात है। तो हम ना ये वाला बनाते हैं कि फिलहाल हेलो। अच्छा, और हम कह देते हैं, अगर इसको हम अगर हम लिखें कैसे हो, तो इसमें तो हाउ आर यू लिखना पड़ेगा ना, वो हाउ आर यू, तो हाउ आर यू, आप कैसे हो, ऐसे करके। अच्छा जी, ये हमने लिख दिया, आप कैसे हो। सही है। अच्छा, एक और भी इसमें तरीका है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना क्या हाल है, तो ये नीचे मुझे सजेस्ट कर देता है क्या हाल है। तो मैं ऐसे करके, ये इसमें टाइपिंग आसान हो जाती है, इसलिए मैं ये वाला तरीका करता हूँ, क्या हाल है। अच्छा, क्या हो रहा है। नहीं यार, बंदा आगे ये तो नहीं बोलता। हम दुकान वाले को जाके क्या बोलते हैं, जैसे अंग्रेजी वाले तो बोलते हैं ना, हाय हाय आर यू डूइंग, अभी हम क्या बोलते हैं। ये वो वाला सीन हो गया, कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भूल गया। अभी हम इतने टाइम से चैटबॉट बना रहे हैं अंग्रेजी में, तो अभी उर्दू में बनाने की बारी आई है, तो सोचना पड़ रहा है कि भाई क्या बनाए। अच्छा, मेरा ख्याल है अभी हम वेलकम इंटेंट पे इतना ही रखते हैं।
अच्छा, अब मुझे इसका जवाब लिखना है कि अगर बंदा हाय हेलो या इस तरह की कोई बात बोले तो उसको जवाब क्या दिया जाए। उसको जवाब हम इसमें देते हैं कि सुबह बखैर, सुबह बखैर, सुबह बखैर ऐसे नहीं होगा, सुबह बखैर इंग्लिश में ही टाइप करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो ना सुबह को हे करके नहीं बना रहा, कुछ और बना रहा। सही है भाई, गुड मॉर्निंग, ये सुबह बखैर को इस तरह नहीं लिख रहा था, किसी और ही तरह लिख दे रहा था। अच्छा, और गुड मॉर्निंग मैंने कह दिया, हम बाय द वे कुछ और भी बोल सकते हैं इसको। अच्छा, तो उसके बाद मैंने दे दिया कॉमा। अच्छा, कॉमा भी मेरा अंग्रेजी का कॉमा आ रहा है ना, उल्टा वाला कॉमा आ रहा है, तो चलो कॉमा रहने देते हैं हम अभी। हम अभी इसको स्पेस दे देते हैं। अच्छा, और आई एम योर एटीएम मशीन, मैं आपकी एटीएम मशीन हूँ, आपको कितने पैसे, ओ सॉरी, वुड यू लाइक टू विड्रॉ, और डिपॉजिट। इसको साइलेंट कर दो फोन को, क्योंकि ये पता जा रहा है। अच्छा, सही, इसने ट्रांसलेट कर दिया, मैं आपकी एटीएम मशीन हूँ, क्या आप रकम निकालना चाहते हैं या जमा करना चाहते हैं। बेहतरीन भाई, जबरदस्त। अच्छा, इसी से पहले मैं गुड मॉर्निंग भी लगा देता हूँ। सही है, ताकि वो कॉमा भी ना इसमें उर्दू वाला आ जाए, ये उर्दू वाला कॉमा है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ऐसे ट्रांसलेट करके लिखना है तो ट्रांसलेट करके ही बना देते पहले ही। नहीं भाई, ये फर्क है। फर्क इस वजह से है क्योंकि जब ये हमारा बना हुआ चैटबॉट जब चलेगा ना गूगल असिस्टेंट पे, तो वहां पे जो बंदा अगर उसको यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, अगर उसको अंग्रेजी नहीं आती है, बहुत सारी ऐसी तादाद है जो बूढ़े अफराद हैं, उनको जाहिर है अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं आती, और उनको अंग्रेजी में जाहिर है एक एक्सेंट है, वो समझना उनके लिए मुश्किल रहता है। तो जो आपकी अपनी जुबान होती है वो जैसे भी एक्सेंट में बोल रहा हो बंदा समझ में आती है। तो मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा आगे खड़ा होता है और उसको ये बोला जाए, अच्छा ये सुबह बखैर तो जाहिर है सर्वर से आएगा जब, तो यानी अभी तो फुलफिलमेंट इसमें डिसेबल हुई भी है, ये फुलफिलमेंट है, ये जब इनेबल होगी तो ये सुबह बखैर के जगह पर जो भी टाइम हो रहा होगा करंट, वो उसमें आ जाएगा। अच्छा, आप रकम जमा करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं। सेव हो गया भाई, ठीक है जी। और अगर बंदा जो है वो सलाम करता है, तो इसके लिए हमें एक डिफॉल्ट इंटेंट और भी बनाना पड़ेगा कि अगर बंदा जो है ना सलाम कर रहा है। ओके, तो इसका मैं जाके ना, अच्छा इस वाले में मुझे सलाम करना चाहिए, गुड मॉर्निंग जो मैंने लिख दिया ना। खैर चलो, अभी हम यही वाला करते हैं। अभी हम चेक करते हैं कि क्या हाल है, कुछ चला के चेक करते हैं कि अभी सही चल रहा है नहीं चल रहा। ओ क्या बात है भाई, चल गया चल गया। अच्छा, अगर मैं इसको लिखूं सिर्फ क्या हाल, चलिए तो उल्टा है, बैक स्पेस उल्टा है भाई, ये मसले भी हैं उर्दू में। अगर मैं सिर्फ क्या हाल लिखूं तो भी इसको समझना चाहिए। अच्छा, अगर मैं इसको हाय लिख दूं अंग्रेजी में तो क्या होता है, ओ इसको पता नहीं चला। अच्छा, तो मैं इसमें हाय भी लगा देता हूँ, अंग्रेजी वाला भी लगा दिया मैंने, ताकि अगर कोई गलती से हाय बोल दे, क्योंकि उर्दू में ना हमारे आधी अंग्रेजी मिला के बोलते हैं। अच्छा, ये ट्रेनिंग अभी इसकी पूरी नहीं हुई शायद। हाँ सही है, तो अगर कोई हाय हेलो भी बोल दे तो वो भी समझ ले, अगर कोई ऐसे सलाम लिख दे तो भी उसको समझ ले। और इसमें क्या लिखना चाहिए भाई, सलाम का तो हम अलग बनाने वाले हैं, क्योंकि उसमें वालेकुम अस्सलाम बोलना पड़ेगा, इसमें मुझे चाहिए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम,
सही है, कॉमा भी मैंने पकड़ लिया इसके साथ ताकि मुझे कॉमा मालूम रह जाए। सुबह खैर को हटा के ना मैंने अस्सलाम वालेकुम लगा दिया कि बंदे ने अगर बोला है कि हाय हेलो बोला है तो उसको सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम मैं आपकी एटीएम मशीन हूँ, क्या आप रकम निकालना चाहते हैं, सेफ। और एक हम दूसरा इंटेंट बनाएंगे उसमें जब बंदा सलाम अगर सामने से कर देता है तो वो उसको वालेकुम अस्सलाम बोले। अच्छा ये मैंने पूरा रिस्पॉन्स इसका कॉपी कर लिया और मैं एक नए इंटेंट पे आ गया, क्रिएट अ न्यू इंटेंट। ठीक है, इस इंटेंट का नाम हम रख देते हैं सलाम। ठीक है, वेलकम डैश सलाम। और इसमें हम कहते हैं कि यूजर आके आपको सलाम करेगा और रिस्पॉन्स में हम कहते हैं कि भाई रिस्पॉन्स यही होगा लेकिन अस्सलाम वालेकुम की जगह क्या होगा, वालेकुम अस्सलाम होगा। वालेकुम अस्सलाम, अब कॉमा भी मैं ले लेता हूँ यार। ये मेरा हो गया वालेकुम अस्सलाम, सही है, सेफ। और यहाँ पे बंदा क्या करेगा, अगर बंदा बोलता है अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम या जस्ट सलाम बोलता है, या वो इसी को सलाम बोलता है या अस्सलाम वालेकुम ऐसे बोलता है, अस्सलाम। ठीक है, तो ये सारे पे वो क्या बोले, एक दूसरा यानी दो वेलकम इंटेंट इसमें बन गया हमारे। आमतौर पे अंग्रेजी में एक ही वेलकम इंटेंट होता है जिसमें हम हाय बोलते हैं तो वो अपना इंट्रोडक्शन करवा देता है। ठीक है जी, अब मैं सलाम बोल के चेक करता हूँ इसको। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम मैं आपकी एटीएम मशीन हूँ, क्या आप रकम निकालना चाहते हैं या जमा करवाना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा कि इसको सलाम बोल के देखता हूँ। ठीक है जी, ये सलाम बोल दिया। अच्छा, अभी तो मुझे टाइपिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है लेकिन एंड यूजर जब इसको यूज करेगा तो वो ज़ाहिर है बोल के यूज करेगा तो उसको ये उसको वो तो बोलेगा जैसे मैं बोले जा रहा हूँ जल्दी। अच्छा, ये वालेकुम अस्सलाम हो गया, ठीक है, ये दो इंटेंट हमारे बन गए वेलकम के। अब हमें बनाना है रकम निकालने का, सही है, रकम निकालना है। अच्छा, रकम निकालना है, ये हो जाएगा हमारा रकम निकालना। ठीक है, रकम निकालना है और बस। मैं रकम निकालना चाहता हूँ, ये होगा पूरा। ठीक है, तो ये तो मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी जल्दी से। मैं अच्छा, ये फुल स्टॉप वगैरह हम इसमें हटा देते हैं, ये ट्रेनिंग में अदरवाइज ना मस्ती करता है। मैं रकम निकालना चाहता हूँ, ठीक है, पैसे निकालो, पैसे निकलो हो गया ये तो। इसको मैं उर्दू में टाइप कर लेता हूँ, पैसे निकालो, ये वाला क्या बात है। और भाई लोग क्या बोलते हैं आके, जो है निकाल दो। जो है निकाल दो। अच्छा, निकाल इसने गलत लिख दिया, निकाल को मुझे ऐसे करना पड़ेगा, निकाल दो जो है निकाल दो, परफेक्ट है। या बोलेगा बंदा कि पैसे चाहिए,
पैसे चाहिए। अच्छा ये चाहे कर दिया इसने, पैसे चाहिए। ये अब सही किया इसने, पैसे चाहिए। ठीक है, ये सारे बंदे अगर बात बोले तो वो इसका मतलब है पैसा निकालना चाह रहा है। ठीक है, पैसे चाहिए, मैं रकम निकालना चाहता हूँ और मैं पैसे निकालना चाहता हूँ। पैसे निकालना चाहता हूँ। ठीक है, हमने इसको तकरीबन 5 सेंटेंसेस दे दिए। और अच्छा, विदड्रॉ अगर कोई, विदड्रॉ अगर कोई इंग्लिश में भी लिख देता है तो भी उसको ये समझ जाए हम इसको इस तरह से कर रहे हैं। ओके, विदड्रॉ कोई विदड्रॉ भी लिख देते हैं हाथ से तो भी चल जाएगा, क्योंकि हम आधे उर्दू वाले हैं, पूरी उर्दू कोई भी नहीं बोलता। इवन इंडिया में भी हिंदी भी लोग पूरी हिंदी नहीं बोलते आमतौर पर, जो बहुत ज्यादा संस्कारी किस्म के लोग हैं वही बोलते हैं पूरी हिंदी। अदरवाइज जो हम जैसे थोड़े क्या उसको बोलेंगे, ये शहरों में रहने वाले लोग, मेन सिटीज में रहने वाले लोग, उनकी बातों में आधी अंग्रेजी रहती है, तो इसलिए इसमें अंग्रेजी का भी थोड़ा सा पार्ट डाल दिया। अच्छा, अगर बंदा बोलता है कि मैं रकम निकालना चाहता हूँ तो अब उससे मुझे पूछना पड़ेगा कि कितनी रकम निकालनी है। ठीक है, कितनी रकम निकालनी है। अच्छा, कितनी रकम निकालनी है, तो उसमें बंदा जवाब देगा कि मुझे 2,000 निकालने हैं, मुझे 2,000 निकालने हैं। तो हिलाओ एक, मुझे 2,000 रुपए निकालने हैं। ये बोलेगा। अच्छा, ये तो बहुत आसान हो गया, मैं तो बिला वजह गूगल ट्रांसलेटर पे जाके टाइपिंग कर रहा था। कहा कि 2,000। अच्छा, तो 2,000 उसको जो है ना अमाउंट पकड़ लेना चाहिए। अच्छा, ये इसने नहीं पकड़ा, ये इसमें कोई प्रॉब्लम है। नंबर इंटीजर असल में इसको होना चाहिए। ठीक है, नंबर इंटीजर है, ये होना चाहिए, 2,000 नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्या करेंगे ये इसमें, अच्छा 2,000 को मुझे क्या करना है, नंबर इंटीजर बनाना है, इसको खुद से पकड़ लेना चाहिए वैसे। अच्छा, नंबर इंटीजर का मतलब ये होता है कि कोई भी अमाउंट बोलेगा बंदा जो पॉइंट वाले नंबर ना हो। ठीक है ना, कोई ये ना बोल दे कि भाई मुझे 500.50। ठीक है ना, क्योंकि ये अमाउंट आप नहीं निकाल सकते। अच्छा जी, तो ये इंटीजर नंबर बोले 2,000 3,000। अच्छा, लेकिन इसमें एक मसला और भी है, 2,001 अगर किसी ने बोल दिया तो। खैर, अभी हम इमेजिन कर रहे हैं कि 2,001 भी निकाल सकता है, लेकिन 2,001.5 अभी ये इसको नहीं पकड़े। मुझे 2,000 निकालना है, तो यहाँ पे आ गया 2,000। मैंने कहा ये रिक्वायर्ड है भाई 2,000। और अगर बंदा ये ना बताए कि कितने पैसे निकालना है, तो उससे पूछा जाए कि भाई आप कितने पैसे निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये भी बल्कि मैं बजाय हाथ से टाइप करने के मैं बोल के, आप कितने पैसे निकालना चाहते हैं। आप कितने पैसे, बेहतरीन भाई बेहतरीन, जबरदस्त जबरदस्त, मजा आ गया। अच्छा, तो प्रॉम्प्ट में जाके मैंने सबसे प्रॉम्प्ट पहला ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा इसमें मैं 2-3 वेरिएशन लिखूंगा ताकि बदल बदल के पूछे वो सवाल, तो मैं एक और डालता हूँ वेरिएशन। तो प्लीज मुझे रकम बताइए। रकम को इसे क्या करते हैं, मुझे रकम बताइए।
ये भी मैंने डाल दिया कि भाई मुझे रकम बताइए। अच्छा बताइए, इसने गलत कर दिया, ये मुझे लग रहा है मुझे टाई भी करना पड़ेगा। हाउ मच मनी वुड यू लाइक टू विथड्रॉ? ठीक है, देखो अंग्रेजी कितनी सेट है हमारी, उर्दू में मसले हैं। उड़े 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 आप कितनी रकम निकालना चाहेंगे? क्या बात है, गूगल की उर्दू हमसे अच्छी है। अच्छा इसके भी बाद में ना क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो ये मेरा उर्दू वाला क्वेश्चन मार्क मैं कॉपी करके यहाँ से लगा देता हूँ, क्योंकि मैं अगर टाइप करूंगा तो मुझे इंग्लिश वाला दे देगा। आप कितनी रकम निकालना चाहेंगे? ठीक है, प्लीज टेल मी द अमाउंट। ठीक है जी, बराए करम मुझे रकम बताएं, ये चाहिए था मुझे। अच्छा ये हो गया जी, और मैं इसमें एक और वेरिएशन लिख देता हूँ ताकि जनाब वो क्या हो जाए, उसको बदल बदल के थोड़ा सा बताएं, ताकि जो ना। हेलो हेलो हेलो, हाँ सही आवाज आ रही है। मुझे वो ग्रीन ग्रीन दिख रहा नहीं था, मैंने कहा पता नहीं यार रिकॉर्डिंग इतनी लंबी कर ली है मैंने, आवाज जा रही है कि नहीं जा रही। अच्छा जी, प्लीज टेल मी द अमाउंट, ये कर दिया मैंने। हाउ मच मनी, कितनी रकम? हाउ मच मनी क्वेश्चन मार्क। ये जनाब मैंने कर दिए चार वेरिएशन इसके अंदर, ये बेहतरीन हो गया, इसको मैंने क्लोज कर दिया, सेव कर देता हूँ एहतियात में। और जब बंदा ये बता दे कि मुझे 2000 निकाल, अच्छा 2000 निकालने हैं कि अभी कुछ मुझे वेरिएशंस डालने पड़ेंगे, मुझे 2000 में 500 लिख देते हैं। 500, मैं ऐसे कह रहा हूँ, आई वुड लाइक टू विथड्रॉ 500। मैं 500 रुपया निकालना चाहता हूँ, ये 500 जो आई थिंक 500 ऐसे लिखना पड़ेगा, 500 निकालना चाहता हूँ। ओए क्या बात है भाई, 500 को इसने ऑटोमेटिक उठा लिया, बेहतरीन हो गया ये। इसका मतलब है ये समझ रहा है, मुझे पहले लगा कि शायद एंटिटीज को ना ये समझ नहीं रहा, 500 इसको समझ नहीं रहा, क्योंकि 2000 मुझे हाथ से बताने पड़े थे उसको, लेकिन ये समझ रहा है यार। अच्छा ये फुल स्टॉप आखिर में ना ये हटा देते हैं, क्योंकि ये ट्रेनिंग में ना इशू करता है। अच्छा और एक वेरिएशन हो जाए, 5000 निकाल लिए, दीजिए भी ना इसमें कुछ सही नहीं लिखा, दीजिए के ऊपर एक वो छोटा सा हमला आना चाहिए, कुछ स्पेल ना सही नहीं किया इसमें, तो ये भी इंग्लिश में लिख देना चाहिए आई थिंक, ताकि ये ट्रांसलेट करें ना तो सही हो जाए। प्लीज गिव मी 5000,
मुझे 5,000 दे, ये भी सही है, और 5,000 को उसको पिक कर लेना चाहिए फौरन। अच्छा दो भी पिक कर लिया इसने, हालांकि दो हमारा नहीं है, दो को मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ, दो नहीं है, ठीक है। मल्टी वैल्यू भी चेक हो गई थी जिसको भी मैंने हटा दिया। अच्छा भाई, अब जब बंदा जो है, बंदा ये बात बोल ले, सब कुछ बोल ले, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँ, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सर्विस, थैंक यू फॉर यूजिंग आर एटीएम। आवर एटीएम नहीं, वॉइस एटीएम, थैंक यू फॉर यूजिंग AI voice ATM। इससे पहले क्या बंदा बोलेगा कि here is your 5,000 rupees, comma thank you for using voice ATM machine, khuda hafiz, that is great, khuda hafiz, full stop। ये रहे आपके 5,000, मतलब हम इमेजिन कर रहे हैं कि एटीएम मशीन ने 5,000 जो है वो निकाल दिया। अच्छा वॉइस एटीएम को इसने चेंज नहीं किया, यार एआई को उर्दू में क्या बोलते हैं, हमारी बोलने वाली एटीएम मशीन, आवर स्पीकिंग, अच्छा बोलने वाली एटीएम मशीन इस्तेमाल करने का शुक्रिया, क्या बात है, मजा आ गया। तो अब मैं इसको ये हटा देता हूँ, ये लगा देता हूँ। अच्छा ये जो 2,000 रुपए हमने लगाए थे, इसकी जगह पे अब मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉलर और ये नंबर इंटीजर आ जाएगा इसकी जगह, ठीक है भाई। ये रहे आपके, उसकी जगह जो भी बंदे ने बोला होगा, 2,000-5,000 रुपए, ठीक है, बोलने वाली एटीएम मशीन का शुक्रिया, सेव करते हैं इसको और इसको हम अब करते हैं टेस्ट, लेट्स टेस्ट इट आउट। अब मैं इसको कहता हूँ सलाम, इसने कहा भाई वालेकुम अस्सलाम, कितनी रकम निकालना चाहेंगे, मुझे 1,700 रुपए निकालने हैं, क्या बात है, ये रहे आपके। अच्छा 17 इसने पकड़ा, 1,700 नहीं पकड़ा 17 रुपए, बोलने वाली एटीएम मशीन इस्तेमाल करने का शुक्रिया। एक बार हम और टेस्ट करते हैं इसको, हाय हाउ आर यू, अब हाय अगर बोलेगा तो सामने से सलाम करना चाहिए, ओ ओके, हाय ऐसे करके नहीं पिक कर रहे, क्या हाल है, ये सामने से सलाम कर दिया इसमें, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी एटीएम मशीन हूँ, क्या आप रकम निकालना चाहते हैं या जमा करवाना चाहते हैं, तो अब मैं उसको बोलूँगा मैं रकम निकालना चाहता हूँ, मैं रकम निकालना चाहता हूँ, ठीक है जी, अच्छा रकम निकालना चाहता हूँ, आप कितने पैसे निकालना चाहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा अगर मैं इसको जवाब सही तरह से नहीं देता हूँ तो ये मुझसे दोबारा से पलट के पूछेगा, वही जो वेरिएशन मैंने 4 प्रॉम्प्ट यहाँ पे लगाए हैं, ये मुझसे पलट के पूछना चाहिए उससे। अच्छा मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, कितनी रकम निकालना चाहते हैं, ठीक है,
मैं रकम निकालना चाहता हूँ, बराए करम मुझे रकम बताएं। अच्छा, मैं अगर बोलूं मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, ये दोबारा शुरू से आ गया। अच्छा, मुझे रकम निकालनी है, अच्छा निकालनी है, मैंने उसके अंदर ऐड नहीं किया तो इसको ये समझ में नहीं आया। निकालना समझ आया, निकालनी समझ नहीं आया, तो इसका मतलब है इनकी एनएलपी भी जो है वो थोड़ी सी वीक है अभी, एनएलपी भी इनकी इतनी अभी बेहतर नहीं है। निकालनी है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, मुझे रकम निकालनी है। अरे क्या बात है, निकालनी है कुछ ने, निकालने हैं पकड़ लिए। अच्छा चलो अभी इसको रकम बता रहे हैं, 1700 पाकिस्तानी रुपए। अच्छा इसने 1700 को 100 पकड़ा है, 17 नहीं पकड़ा इसने। अच्छा तो एनएलपी इनकी थोड़ी सी वीक है, लेकिन ये थोड़े दिनों की बात है, ये जब ये आ गई है तो जाहिर है हजारों लोग इसको टेस्ट करेंगे, फिर फीडबैक जाएगा तो ये हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है इसका। अच्छा लेकिन अभी तो मैं खुद भी पहली दफा यूज कर रहा हूँ, हो सकता है मैं कोई चीज इसमें मैं मिस कर रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली तो हो सकता है मैं कोई चीज मिस कर रहा हूँ, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई। खैर तो इसने भाई बता दिया कि ये रहे आपके 1700 रुपए और एटीएम मशीन इस्तेमाल करने का शुक्रिया, खुदा हाफिज। अच्छा और मैं जरा इसमें एक ऐड और कर दूं, मुझे रकम निकालनी है, ये मैंने ऐड नहीं किया हुआ इसके अंदर, मुझे रकम निकालनी है, निकालनी है पकड़ा सर इसने, ठीक है तो मैं निकालनी है ही इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि उसने पूछा कि आप रकम जमा करना चाहते हैं या निकालना चाहते हैं, तो मैंने कहा निकालनी है, रकम निकालनी है या निकालना है, निकालना है तो मैंने लिखा होगा, निकालना चाहता हूँ, निकालनी है, निकालना चाहता हूँ, सॉरी निकालना चाहता हूँ तो लिखा हुआ, निकालना है लिखना है ना मुझे, निकालना है, निकालना है, परफेक्ट हो गया, मुझे रकम निकालनी है, ये रकम पकड़ ही नहीं रहा, मुझे रकम निकालनी है। अच्छा अब इसने पकड़ा, तो ये रकम निकालनी है भी मैं इसके ट्रेनिंग फ्रेजेस में डाल देता हूँ ताकि ये पक्का हो जाए पूरा। सेव कर दिया जनाब मैंने इसको, मैंने इसको यहाँ पे टेस्ट कर लिया, अब हम इसको लेके चलते हैं गूगल असिस्टेंट के ऊपर और वहां पर देखते हैं कि इसकी क्या रिपोर्ट है। अच्छा तो उसके लिए हम आ जाते हैं। अच्छा ये भी बहुत ही बेसिक्स है, इसमें कोई सर्वर भी नहीं लगा हुआ, कोई रिस्पांस भी हार्ड कोडेड मैंने लगा दी है इसके अंदर, लेकिन असल में चैटबॉट इस तरह का नहीं बनता, वो तो जाहिर है सर्वर सेटअप होता है और डेटाबेस से ये चीज़ें चेक करके बता रहा होता है। ठीक है जैसे मैंने सुबह बखैर लिख दिया था तो वो सुबह बखैर नहीं आ रहा होगा एक्चुअली, वो डेटाबेस से देख कर बताएगा कि इस वक्त डेटाबेस में टाइम जो भी हुआ है या सर्वर पर जो भी टाइम हुआ है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको बदल देगा, सब सुबह बखैर को वो शाम बखैर कर देगा या शब बखैर कर देगा। ठीक है रात का जो होता है अभी वैसे शब बखैर होने वाली है, शाम तो हुई भी ऑलरेडी, अभी मेरे पास बज रहे हैं 6:18 शाम के पाकिस्तान में। अच्छा अब मैं गया गूगल असिस्टेंट और जनाब मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, मैंने विड्रॉ लगा दिया यहाँ पे और मैंने कहा कि भाई टेस्ट, अब हम इसको गूगल असिस्टेंट के ऊपर टेस्ट करने जा रहे हैं और वहां पे असल चीज सामने आएगी, दूध का दूध पानी का पानी, कि डायलॉग फ्लो वालों ने जो किया है उर्दू लैंग्वेज ऐड वो कितने पानी में घूम रहा है।
अच्छा ये तो क्या हो गया इसको, टू स्टार्ट यूजिंग सिमुलेटर यूज योर फेवरेट टूल टू ऐड एक्शंस, व्हाट डू यू मीन? अच्छा विड्रॉ इंटेंट लैंग्वेज यू आर हैज मोर देन 10 ट्रेनिंग फ्रेजेस, रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रेनिंग फ्रेजेस टू 10 और रिमूव द इंटेंट। ओके अच्छा इंग्लिश उर्दू में 10 से ज्यादा ट्रेनिंग फ्रेजेस में नहीं डाल सकता, तो चलें जी आके इसको काम कर देते हैं 10 से। ठीक है भाई ये भी सही है, कितने हैं जरा गिन लेते हैं पहले तो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 ट्रेनिंग फेज। तो मैंने जो लास्ट में ऐड किया था ये निकालना है, इसको हटा देता हूँ मैं, ठीक है दो मुझे रिमूव करने, निकालनी है इसको मैं हटा देता हूँ, तो मेरे ख्याल अब ये 10 हो गए। अब गिन लेते हैं दोबारा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 परफेक्ट है जी 10। अब जाके दोबारा से ट्राई करते हैं इंटीग्रेशंस और गूगल असिस्टेंट और विड्रॉ टेस्ट। देखते हैं जी अब की बार क्या रिपोर्ट आती है। अच्छा आई थिंक हो गया ये, जब इसमें कुछ बोला नहीं है। Okay. अब मैं इसको कहता हूँ सलाम, ठीक है सलाम से स्टार्ट करते हैं। वी आर सॉरी बट समथिंग वेंट रॉन्ग, रीसेट टैग। अच्छा यहाँ पे से इंग्लिश हुआ है ना, इसको भी मुझे उर्दू करना पड़ेगा। अच्छा उर्दू तो इसमें है ही नहीं, ये क्या सीन हो गया? ओके डिवाइस लैंग्वेजेस प्रोजेक्ट लैंग्वेजेस, अच्छा कैसा है? एक बार जाके इसका इन्वोकेशन फ्रेजेस वगैरह चेक कर लेते हैं कि क्या नाम रखा हुआ है। इन्वोकेशन में मैंने कह दिया कि यार वॉइस एटीएम ये नाम रखती है, सही है जी, ताकि मैं बोलूं हे गूगल टॉक टू वॉइस एटीएम, इस तरह करके मैं इससे बात करूं। चलिए दोबारा से टेस्टिंग में जाता हूं मैं। भाई चल जा क्या हो गया इसको, तो पता चल गया कि कहते हैं ना कि कंप्यूटर को ना कभी ये नहीं पता चलना चाहिए कि आप जल्दी में, वरना कंप्यूटर स्लो हो जाता है। उसको पता चल जाता है मेरी डिमांड बढ़ गई है, तो मुझे लग रहा है उसको पता चल गया कि जल्दी में तो खैर नहीं है, हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, जल्दी में तो क्या है, बैठे यही करना है टेस्ट करना है उसको तसल्ली से, नियत से टाइम निकाल के। यार मेरा ख्याल है यहीं से दोबारा टेस्ट कर करना बात है। मेरे पास यहाँ पे भी तो है गूगल असिस्टेंट, एक आदत
असिस्टेंट टॉक टू वॉइस एटीएम Talking ATMs provide voice instructions while customers perform their ATM transactions. चलने के लिए तैयार नहीं है ये गूगल असिस्टेंट के ऊपर. वॉइस एटीएम बिल्कुल सही लगा था. अच्छा तो इससे पता ये चला हमें कि भाई ये अभी बहुत ही बेसिक लेवल का इन्होंने उर्दू लैंग्वेज की सपोर्ट दी है, लेकिन अच्छी बात ये कि दे दिए सपोर्ट. अगर एक बार सपोर्ट दे दिए तो ऑफकोर्स उसको वो बिल्कुल छोड़ तो नहीं देंगे, कुछ ना कुछ बेहतरी करते रहेंगे. अच्छा अब मैं जाता हूँ जरा दोबारा से टेस्टिंग पे, एक बार फाइनल टेस्ट हम करते हैं. क्लिक ऑन माइक टू स्पीक. क्लिक ऑन माइक. अस्सलाम वालेकुम. नहीं ये इसको ना उर्दू पकड़ ही नहीं रही. अच्छा मैं एक चीज और भी चेक करता हूँ. मैं जरा जो है ना गूगल असिस्टेंट में चला जाता हूँ और अपनी स्क्रीन में शेयर करता हूँ जरा ताकि आप लोगों को भी दिखे. और हम ये चेक कर लेते हैं कि गूगल असिस्टेंट में उर्दू है या नहीं अभी तक, जो मोबाइल फोन में जो गूगल असिस्टेंट है हमारे पास उसकी बात हो रही है. उसको वाकई में पता चल गया कि हम ना जल्दी में लेकिन हम जल्दी में है नहीं असल में. मैं यहीं से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ. अच्छा यहाँ से बोलूँ खैर आपको नहीं दिखाता, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ. अच्छा जी गूगल असिस्टेंट की मैं सेटिंग में गया. ये मैं उस गूगल असिस्टेंट की सेटिंग में गया हूँ जो मोबाइल में ऐप इंस्टॉल होती है, ये उसकी उसकी सेटिंग में गया. और उसके अंदर जाके मैंने सेलेक्ट किया लैंग्वेजेस फॉर स्पीकिंग टू योर असिस्टेंट. तो इसके अंदर मेरे पास एक इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स आ रहा है और एक आ रहा है ऐड अ लैंग्वेज. तो मैं ऐड अ लैंग्वेज में करके इसमें उर्दू तलाश करता हूँ. तो जनाब इसमें उर्दू जो है ना मौजूद नहीं है. ठीक है इसमें उर्दू मौजूद नहीं है. मैं आपको स्क्रीन अपने दिखा सकूँ ये मुझे बंद करना पड़ेगा. इसको खैर इसमें उर्दू नहीं है तो हम जल्दी से ना अलग से गूगल करते हैं इसको कि गूगल असिस्टेंट सपोर्टेड लैंग्वेजेस कि गूगल असिस्टेंट में इटसेल्फ कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट किया हुआ है. डिवेलपर डॉट गूगल नहीं हिंदी तो है इसमें गूगल असिस्टेंट में, यहाँ पे हिंदी भी शो नहीं कर रहा. ये शायद पता नहीं अपडेट नहीं किया इन्होंने डॉक्यूमेंट को. मे बी अच्छा चेंज योर लैंग्वेज टू मल्टीपल लैंग्वेजेस. टैबलेट मैंने कहा आईफोन एंड आईपैड.
Change your language, phone or tablet. Okay, picture amplifier assistant, languages, add a language. बट इसमें ये लिस्ट नहीं बताई किसी जगह पर, और एक लिस्ट जो बताई थी उसमें तो हिंदी भी नहीं है, तो मतलब वो पुरानी लिस्ट है। ओके, लैंग्वेजेस यू कैन यूज। अब ये वो डिवाइसेस आ गई हैं कि इसमें लैंग्वेज कौन सी आप यूज कर सकते हैं, किस वाले में। अच्छा, इंग्लिश इंडिया और हिंदी ये इस डिवाइस में यूज कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास ये डिवाइस तो नहीं है, मेरे पास है ये वाली आई थिंक। अब ये दोनों की शक्ल एक जैसी है मेरे ख्याल, फर्स्ट वाले में ही देखते हैं। अच्छा, हिंदी इसमें है, हिंदी है बट इसमें उर्दू नहीं है। इसमें क्या उर्दू है यार? उर्दू लैंग्वेज मैंने इस्तेमाल की है गूगल असिस्टेंट में, यार मैंने इस्तेमाल की है उर्दू लैंग्वेज गूगल असिस्टेंट में यूज। ओ नहीं, उर्दू नहीं की मैंने, हिंदी की है। सही है, क्योंकि हिंदी भी तो उर्दू की तरह बात करते हैं। हिंदी है सब में और वो नहीं है। अच्छा, मोबाइल वाला इसमें इन्होंने बताया ही नहीं है कि मोबाइल में क्या सीखा। हिंदी इनमें सब में तो है। अच्छा, हिंदी तो फोन में भी आ रहा था अभी मैंने देखा, बट उर्दू नहीं है। जब तक उर्दू इसमें नहीं आ जाता गूगल असिस्टेंट में, हम ये उर्दू पे बना हुआ चैटबॉट गूगल असिस्टेंट में नहीं लगा सकते। वैसे हम वेबसाइट वगैरह पे चाहें तो यूज कर सकते हैं ऑफ कोर्स, और वेबसाइट पे अगर हम यूज करेंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें करना पड़ेगा गूगल स्पीच एपीआई, सॉरी क्या टेक्स्ट टू स्पीच एपीआई, ये हमें यूज करनी पड़ेगी। और जाके जरा देख लेते हैं अंदर, इसमें टेक्स्ट टू स्पीच को डेमो करके देख लेते हैं। अच्छा, अंधेरा काफी हो गया, लाइट है असल में ऑफ है मेरे पास, मेरे ख्याल है एक ही दफा उठेंगे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। अच्छा, क्या बात है, जबरदस्त। अब यहाँ पर ये एक लैंग्वेज लिखी हुई है, तो जाहिर है जो रिस्पॉन्स मेरा आया है डायलॉग फ्लो से वो मुझे बोल कर बताना है सामने से यूजर को। जाहिर है किसी वेबसाइट पर लगा हुआ तो वो बोल कर बताना है उसको। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ लैंग्वेज कि इसमें उर्दू मौजूद है या नहीं है। होगी ऑफ कोर्स, टेक्स्ट टू स्पीच में तो उर्दू है। व्हाट, टेक्स्ट टू स्पीच में तो उर्दू थी यार, यहां से कहां गायब हो गई। ओके, तो इसकी भी मुझे लैंग्वेज सपोर्ट एक बार लग रहा है देखनी पड़ेगी, इसकी भी मुझे लैंग्वेज सपोर्ट देखनी पड़ेगी। लैंग्वेजेस, सपोर्टेड वॉइसेस एंड लैंग्वेजेस, कि अगर मैं वेबसाइट पे इस चैटबॉट को लगाता हूं तो मैं बोल के क्या बता पाऊंगा। टेक्स्ट टू स्पीच, अरेबिक अरेबिक अरेबिक, क्या होता है ओके, ये पीक टाइम है तो इंटरनेट को कुछ हो गया, इंटरनेट को कुछ हो गया, इंटरनेट मेरा जो पंगे कर रहा। अच्छा, ये लिस्ट काफी लंबी थी लेकिन वो लोड नहीं हो पा रही थी इंटरनेट के इशू की वजह से। ओके, सब बिग 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 लिस्ट।
उसमें तो दुनिया की तकरीबन सारी लैंग्वेज है टेक्स्ट टू स्पीच में, बट जस्ट टू मेक श्योर मैं एक बार ये चाह रहा था कि उसको मैं टेस्ट करूँ। अब क्या हुआ, छोटी हो गई लिस्ट की, बुरा भेजा दोबारा से। ठीक है, मुझे ना VPN मैंने ऑन किया था किसी वजह से, maybe that's the problem। फाइनली ये लिस्ट हम स्क्रॉल कर पा रहे हैं, ये लोड हो गई है, काफी लंबी लिस्ट है ये। PQRST उसके बाद आएगा ये। अच्छा जी, तो इट टर्नड आउट के उर्दू लैंग्वेज गूगल के स्पीच टू सॉरी टेक्स्ट टू स्पीच में नहीं है, कि टेक्स्ट लिखूंगा मैं उसको स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर सकता मैं, इसमें उर्दू भी सपोर्ट नहीं है एज फार एज आई नो थी लैंग्वेज। अभी पता नहीं यहाँ से क्यों नहीं शो हो रही मेरे पास, या मे बी मुझे कोई वहम हो रहा कि है बिल्ली के ख्वाब में तो छेछड़े ही आते हैं ना तो मेरे ख्वाब में आ रहा है के लैंग्वेज शायद थी यहाँ पे। अच्छा, तो ये तो हो गई टेक्स्ट टू स्पीच के, लिखा हुआ होगा और उसको मैं कन्वर्ट करूंगा वॉइस में, ठीक है। अभी मैं दूसरा वाला चेक कर लेता हूँ कि बंदा बोले और उसको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट कर, जो भी बंदा बोले उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करते, वो वाला भी चेक कर लेता हूँ। उसमें तो 100% है यार, मतलब उसमें नहीं होगा तो फिर तो गूगल स्पीच to text languages supported languages got it। ये है speech to text कि बंदा जो बोल रहा है ना उसको speech में उसको text में convert कर दे। सही है, ये दूसरा वाला है। सही, यहाँ तो search भी बना हुआ है, उर्दू इसमें है भाई, क्या बात है, उर्दू इंडिया उर्दू पाकिस्तान दोनों है इसके अंदर। अच्छा, लेकिन word level confidence नहीं है इसमें, ठीक है। वर्ड लेवल कॉन्फिडेंस जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस केस में। अच्छा, बट वो हिंदी में भी शायद नहीं है। हाँ, हिंदी में भी नहीं है, एक मिनट हिंदी में चेक करता हूँ। हिंदी में भी वर्ड लेवल कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, वर्ड लेवल कॉन्फिडेंस क्या होता है कि मैं अगर कोई एक वर्ड बोल रहा हूँ तो उसको वो कितने अच्छे से समझेगा। मिसाल के तौर पर मैंने कहा नोट, ठीक है, तो नोट एक वर्ड है, नोट के दो तीन मीनिंग्स हो सकते हैं, दो तीन अलग अलग पॉइंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो जैसे मैं है, ठीक है, वो दो तीन जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, मतलब अलग अलग स्पेलिंग होती है, ठीक है। एक मीम ये नून होता है जिसको मेन बोलते हैं, मेन भी उर्दू में इस्तेमाल होता है। क्या मीम ये नून गुन्ना, इसका मतलब मैं का मतलब माई, वो वाला। तो ये इन दोनों वर्ड में क्या डिस्टिंग्विश कर पाएगा अगर मैंने सिंगल वर्ड बोला तो इसको बोलते हैं वर्ड लेवल कॉन्फिडेंस, ठीक है। या अभी शायद मैंने मिसाल बहुत बुरी दी है, मैं अच्छी सी मिसाल समझता हूँ। खाना, जैसे खाना है, सही है। अब खाना जो होता है वो ऑब्जेक्ट भी है, खाना इज एन ऑब्जेक्ट, राइट, कि खाना रखा हुआ खाना। और एक होता है खाना इज अ, नहीं यार ये भी गलत एग्जांपल है, दिस इज आल्सो अ बैड एग्जांपल। कुछ कुछ वर्ड ऐसे होते हैं मिलते जुलते होते हैं, ठीक है, कि बोला कुछ समझता कुछ है। बंदे के साथ भी होता है, इवन ह्यूमंस, यू नो, कभी बंदा बोलता है ना कि 20, तो सुनने वाले को कभी लगता है 30। हाँ, ये अच्छी एग्जांपल है कि मैं अगर 20 बोल रहा हूँ, सिंगल वर्ड बोल रहा हूँ 20, तो क्या वो उसको समझेगा या उसको कभी 30 समझ जाएगा, सही है। तो ये 20 और 30 में अक्सर कंफ्यूजन रहती है, जिस तरह औरंगी और कौरंगी में कंफ्यूजन रहती है,
ठीक है, तो औरंगी टाउन बोलना पड़ता है ताकि बंदे को प्रॉपर समझ आ जाए, या बोलना पड़ता है ओ से ऑरेंज वाला औरंगी, या के से काइट वाला औरंगी, ऐसे करके बोलना पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड वर्ड लेवल कॉन्फिडेंस, तो वो इसमें नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि आधा काम हुआ है, अभी आधा काम रहता है, वो होपफुली बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा, मगर मेरे जहन में एक चीज़ और आई कि यार सिर्फ गूगल तो नहीं है जो टेक्स्ट टू स्पीच देता है, वो तो और भी बहुत सारे लोग देते हैं। उर्दू टेक्स्ट टू स्पीच, अभी देखते हैं कौन आता है मार्केट में। टेक्स्ट टू स्पीच एपीआई उर्दू लैंग्वेज, ओके जनाब। इज देयर एनी स्पीच इंजन अवेलेबल इन उर्दू एंड्रॉइड? आ जाते हैं जी, किसी ने सवाल पूछा ये। अच्छा, 2017 में किसी ने आंसर दिया नो। अच्छा जी, उसके बाद 2016 में ही किसी ने कहा है कि यार ये टेक्स्ट टू स्पीच तो ट्रांसलेट में दे देता है। The simplest and quick answer, it is in process. Okay, got it. तो अभी तक प्रोसेस में ही है ये, 2016 से 5 साल हो गए। मेरा ख्याल है वो शायद अभी इनकी प्रायोरिटी में कहीं था नहीं शायद। अच्छा अच्छा, ये किसी ने हसन ने इलाही ने ना उर्दू टेक्स्ट टू स्पीच गूगल क्लाउड का कोई एग्जांपल भी बना के डाला, बट ये स्पीच टू टेक्स्ट है, ये स्पीच टू टेक्स्ट, हमें तो टेक्स्ट टू स्पीच चाहिए उल्टा अपोजिट। ये तो क्योंकि हम देख चुके हैं एपीआई पे मौजूद था। अच्छा जी जनाब, AWS की जरा हम देख लेते हैं, AWS कौन कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। टेक्स्ट टू स्पीच पॉली है उनका, टेक्स्ट टू स्पीच लैंग्वेजेस के भाई कौन कौन सी लैंग्वेजेस इसमें है सपोर्टेड, आ जाते हैं जी जनाब इसमें। Amazon Poly voice list supported language by Poly, this is what I was looking for. Arabic है इनके पास, इनके पास तो बहुत ही कम languages हैं, बहुत ही थोड़ी सी languages। Well, तो अभी तक हम conclusion पर ये पहुंचे हैं कि उर्दू के अंदर text to speech अभी तक किसी ने नहीं दिया हुआ, मतलब गूगल और अमेजोन AWS ये दोनों जो है वो जायंट्स हैं इस वक्त क्लाउड के, ठीक है, एज फार एज मुझे पता है। ठीक है, अभी कोई और अलीबाबा भी है भाई, लेकिन अलीबाबा वाले क्यों करेंगे यार, क्या कहते हैं कि गूगल और AWS ने ना पूरी मार्केट खाई थी, तो ये दोनों नहीं दे रहे तो मतलब उन्होंने भी नहीं बनाया होगा अभी तक। खैर, तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, जब कोई चीज़ नहीं होती है तो उसको मैं तो हमेशा एज अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि जितने भी पाकिस्तान में लोग AI सीख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, AI पे काम कर रहे हैं, उनके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो उर्दू का टेक्स्ट यानी लिखा हुआ टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करने की जो है ना API बना रहे हैं, ठीक है, और वो इसको अच्छे पैसों में सेल कर सकते हैं। मेरे जैसे लोग जो इसका वेट कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे हैं, हम जैसे लोग आपसे वो खरीदेंगे, और अल्टीमेटली होगा ये कि गूगल आपकी कंपनी को एक्वायर कर लेगा, ठीक है, यही होगा, क्योंकि गूगल वाले इस तरह की चीज़ों को ना टॉलरेट नहीं करते, तो आप मुंह मांगे पैसों में आपकी कंपनी एक्वायर हो जाएगी, ठीक है। थोड़े दिन तक आप पैसे कमाएंगे, पैसे जब आप कमा लेंगे तो आप उस कंपनी को बेच बाज के और आप साइड पे हो जाएंगे, ठीक है, अच्छे पैसे मिल जाएंगे आपको, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से। तो प्लीज़ जो भी अगर कोई वीडियो को किसी ने यहाँ तक देख लिया है और वो AI से किसी एक्सपर्ट को जानता है जो AI का एक्सपर्ट हो, अच्छा मैं जो AI का एक्सपर्ट हूँ वो चैटबॉट और वॉइस एप्लीकेशन, एक होता है टेंसर फ्लो वाला, डीप लर्निंग वगैरह, मशीन लर्निंग वाला, वो मेरी वो वाली फील्ड नहीं है। AI में भी बहुत सारी अब क्लासिफिकेशन है अंदर, लोगों को शायद ये लगता है कुछ लोगों को कि AI सारी एक जैसी होती है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी अलग अलग होती है भाई। तो कोई इस किस्म के अगर लैंग्वेज इस तरह के एक्सपर्ट को जानता है जो NLU के एल्गोरिथम्स लिख सकता है या टेंसर फ्लो पे डीप लर्निंग मशीन लर्निंग वो कर रहा है, तो उसको प्लीज़ जो है ना ये बात बताएं कि यार इसमें ये मौजूद नहीं है, अगर ये बना सकें तो क्या ही बात है। चलें जी, मेरा ख्याल है, अब मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी आपसे कभी ना कभी। चलें।